हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोटी रखी बेली हुई है, साथ में फॉक रखा हुआ है, काटा चम्मच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे एक ऐसी नई रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेल्दी रेसिपी है जो शायद कभी ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी, एकदम इंटरेस्टिंग सी हेल्दी रेसिपी है। तो आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो उसके लिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है। बच्चे जहाँ एक रोटी नहीं खाते वहाँ पे चार चार रोटी वो खाएंगे। तो चलिए आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपी शेयर करती हूँ। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें कि जब भी एवरी टाइम वीडियो पोस्ट करो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ओट्स, और ओट्स में मैं इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और उसमें मैं दे रही हूँ 2 कटोरी आटा। तो मैं ये हेल्दी नाश्ता है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे मैं आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा नमक दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने गरम पानी लिया है, हल्का गरम, ज़्यादा नहीं, गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं, उससे अच्छा से एक सॉफ्ट मैं डो बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आप नॉर्मली तो आटा खाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ओट्स का फ्लावर दे देंगे तो इसमें टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे बच्चे आटा वैसे रोटी खाने नहीं खोजते आटा के, लेकिन जैसे मैं ओट्स फ्लावर मिलाती हूँ तो इतने पसंद करते हैं कि एक रोटी की जगह वो चार रोटी खा जाते हैं। तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और ऐड कीजिए अपने फ्लावर में ओट्स फ्लावर, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टी नहीं बनाता, ये हेल्दी भी है, कोलेस्ट्रॉल को कमाता है, साथ में ये डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है, और इसमें कैलोरी इंटेक भी बहुत कम मात्रा में है। अगर आपको ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो आप पूरा यहाँ पे ओट्स फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, कोई आटा का इस्तेमाल ज़रूर नहीं है। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, टेस्टी ऑप्शन है, ज़रूर बनाएं, कल ही बनाएं आप मॉर्निंग में, तो देखिएगा आपकी ब्रेकफास्ट इतनी टेस्टी बनेगी कि घर के परिवार सब चट कर जाएंगे। ब्रेकफास्ट आपको परेशानी नहीं होगी, झिक झिक तिक तिक नहीं होगी, तो डेफिनेटली रेसिपी बनाएं। तो देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। अब रोटी है, रोटी के साथ एक तो सब्ज़ी ज़रूरत है, इसके लिए मैंने लिया है आलू के ऐसे स्लाइस कर लिया। मैंने यहाँ पर 4 बड़े आलू लिया है, साथ में एक प्याज को अनियन को ऐसे जूलियन करके काट लिया है। और कढ़ाई में यहाँ पर मैं सफ़ेद जो तेल होता है वेजिटेबल कुकिंग ऑयल वो मैं 4 चम्मच के करीब दूँगी। देखिए उसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली जीरा दे दिया है, और यहाँ पे मैं सूखा मिर्ची 2 तोड़ के मैं दे दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और काली जीरा को भी ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा गुण होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। साथ में जो मैंने अनियन काट के रखे थे चॉप्ड करके वो मैंने इसको दे दूँगी। देखिए इसको 1 मिनट के तरह इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन हो जाए। तो इस रेसिपी को और इस रोटी के साथ ये आलू की सब्ज़ी बढ़िया लगता है, जिसे हम बोलते हैं ये सफ़ेद आलू की सब्ज़ी, तो वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं अनियन को अगर छोड़ दे तो। और इसमें मैंने जो आलू के से जो हम लोग आलू फ्राई खाते हैं ना, तो उस तरह से ये काटा था मैंने, तो इसको इस तरह से अभी इसको मैं हाई हीट में अच्छी तरह से मैं 1-2 करीब मिनट इसको मैं फ्राई कर लूँगी आलू के साथ, और प्याज अनियन काली जीरा मिर्चा सब एक साथ अच्छा एक कंबाइन हो जाए। और इसके बाद ये क्योंकि सफ़ेद है इस आलू की सब्ज़ी है, तो इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसमें एक चुटकी भर में जस्ट हल्दी दूंगी, एक एक हल्का सा कलर के लिए, तो एक चुटकी भर में हल्दी दूंगी। तो ओट्स की रोटी पराठा बनाइए, और साथ में ये वाइट आलू की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पे दिया है स्वाद अनुसार नमक, तो नमक दे के फिर से इसको मैं चला लूँगी इस तरह से। और बड़ी झटपट जल्दी बनने वाली रेसिपी है, करीब हाफ एन आवर में आपकी बन जाएगी ये सब्जी और रोटी, तो डेफिनेटली ट्राई करें। इस तरह से देखिए मैं ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें जो बोल रही थी मैं चुटकी भर हल्दी डालूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब 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 करें। और यहाँ पर मैंने जो चुटकी भर हल्दी अब मैं दे दूँगी इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं अभी क्या करूँगी, एक हाफ टोमेटो चॉप करके रख दिया था, दे दिया है मैंने इसमें, आप चाहे तो होल भी दे सकते हो। तो टोमेटो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, इसको रफली चॉप्ड करके टोमेटो को ऐड करना है बस इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पानी ऐड कर दूँगी।
पर ग्रेवी हल्का ग्रेवी ग्रेवी होगी तो रोटी या पराठे के साथ, ओट्स की रोटी और पराठे के साथ बढ़िया लगेगी। साथ में 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें दे दिया है। अब मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब इसको चला लूँगी और इसको अच्छे से चलाते हुए अभी इसको मैं एकदम गैस को धीमी करके इसको मैं अच्छे तरह से कुक होने दूँगी, क्योंकि आलू है तो कभी कभी जल्दी पक जाती है, कभी कभी टाइम लगती है, तो ढककर इसको अच्छे तरह से पकाए और ग्रेवी जितनी रखनी है उतना पानी आप डालें। और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें शुगर भी डालूँगी, अगर आप शुगर नहीं खाते हैं चीनी तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। बस एक पिंच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। तब मैं इसको क्या करूँगी ना, ढक के रख दूँगी मैं इसमें। और ये रखा मेरा वाइट आलू की सब्ज़ी रेडी है एकदम। अभी जो मेरे रोटी के लिए जो मैंने बना के रखा था डो, वो अभी मेरा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके अच्छे से रोटी बना लूँगी मैं इस तरह से गोल गोल करके इसके बॉल्स बना लूँगी। और एक अच्छा सॉफ्ट ऐसा देखिए बॉल बना ले, और उसके बाद इसको रोटी पराठा आपको जिस तरह से खाना है उस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से बेल लीजिए इस तरह से। तो मैं क्योंकि हेल्दी ऑप्शन है इसलिए मैं पराठे भी बनाऊंगी रोटी भी बनाऊंगी। तो पराठे अगर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे हेल्दी अगर पराठा खाना चाहते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक तवा रख दिया है। तवा में मैं इसको पहले सबसे पहले रोटी को मैंने दे दिया है, और क्योंकि जल्दी झटपट नाश्ता है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मैं पराठा जब बनाती हूँ एक साथ में दो तीन दे के पराठा बनाती हूँ, ताकि मेरा टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी ज़्यादा अच्छा तरह से पराठा बन जाए। तो इसको अच्छे तरह से सेक लीजिएगा आप, अभी गैस को हाई हीट कर दीजिएगा और देख के इसको अच्छे तरह से प्रेस कर लीजिएगा। जो पराठे खाने वाले जो पसंद करते हैं, जिनको रोटी पसंद नहीं है लेकिन हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो इस तरह से आप ओट्स और आटे का पराठा भी खा सकते हो, बढ़िया लगता है। आप लोग फ्रेंड्स मैदे को हटाकर आप आटा और ओट्स का पराठा खाइए, देखना बड़ा बढ़िया अच्छा लगेगा, बड़ा हेल्दी है, आप इससे फिट हो जाएंगे, एकदम पतले हो जाएंगे। तो इस तरह से पराठा बनाकर खाइए, ऑलवेज हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साथ में 3 पराठा देके इसको मैं अब इस तरह से उलटते पलटते पहले मैं अच्छे तरह से इसको सेक लूँगी इस तरह से। तो सेकना अच्छा तरह से बहुत ज़रूरी है, वरना कच्चापन रहेगा, तो इसलिए अच्छे तरह से सेक लीजिए। देखिए मेरा अच्छे तरह से सेक गया है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, वाइट ऑयल लूँगी, वाइट या फिर ऑलिव ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम थोड़ा सा, मैंने करीब 1 चम्मच ये इस्तेमाल किया है। उसी 1 चम्मच में मैं थोड़ा सा और दूँगी। देखिए इसको बस मैं उलटते पलटते इसको अच्छे तरह से मैं पराठा को फ्राई कर लूँगी इस तरह से। ये रहा, तो अच्छे तरह से थोड़ा सा पराठा लाल करके फ्राई कर लीजिएगा इस तरह से। अब देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देसी घी में फैट नहीं होती है, एक्चुअली ज़्यादा फैट में वो कन्वर्ट नहीं करती है। बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि पतले जो बच्चे होते हैं उनको घी खिलाइए, उनकी हड्डी मजबूत होगी और वो थोड़े से हेल्दी भी दिखेंगे। तो बच्चों लोग के लिए आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा रेडी है, तो चलिए मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ सफ़ेद आलू की सब्जी, जिसको तरकारी बोलते हैं, बढ़िया टेस्ट, एकदम सिंपल सादगी जैसे सा, और साथ में ओट्स फ्लार आटा फ्लार पराठा, हेल्दी ऑप्शन। तो होपफुली आपको मेरे ब्रेकफास्ट अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।